मायसेल्फ अर्चना गुप्ता, लेक्चरर ब्यूटी कल्चर, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, अजमेर। आज मैं आपको शैम्पू बनाना सिखाऊंगी। शैम्पू हमारे बालों में से धूल, मिट्टी, गंदगी, चिकनाई को निकालता है, साथ ही हमारे बालों को कोमल और मुलायम बनाता है। शैम्पू हमारे बालों की कंडीशन को ध्यान में रख करके ही खरीदना चाहिए। अगर हमारे बाल ड्राई हैं, डैंड्रफ हैं हमारे बालों में और स्प्लिडेंट्स हैं या ऑयली हेयर हैं, तो उन कंडीशन को ध्यान में रख के हमको शैम्पू खरीदना चाहिए। शैम्पू बनाने के लिए हमको डिस्टिल वाटर, SLES, सोडियम लॉरल इथल सल्फेट, ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल, टी ट्री ऑयल, नमक, परफ्यूम और कलर, इन सबको केमिकल्स के द्वारा हम शैम्पू बनाएंगे। इसके अलावा हमें ग्लास बीकर्स, ग्लास बाउल, 2 टीस्पून, एक स्टेनलेस स्टील की भगोने की आवश्यकता पड़ेगी। डिस्टिल वाटर बनाने के लिए या कोई भी कॉस्मेटिक बनाने के लिए हम डिस्टिल वाटर काम में लेते हैं। शुद्ध पानी का वाष्पीकरण करके जो वाष्प प्राप्त होती है उसको ठंडा करने के बाद जो पानी प्राप्त होता है उसे हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। सेकेंड है हमारा सोडियम लॉरल इथिल सल्फेट यानी SLES। सोडियम लॉरल इथिल सल्फेट शैम्पू में झाग देने का काम करता है और क्लीनिंग का काम करता है। ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन, ग्लिसरीन बालों को मॉइस्चर इफेक्ट देने के लिए काम में ली जाती है। एलोवेरा जेल, ये बालों को पोषण देने के लिए यूज़ लिया जाता है। टी ट्री एसेंशियल ऑयल, टी ट्री डीप क्लिंजिंग का काम करता है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल होता है, बालों के साथ साथ त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी होता है और बेजान त्वचा के लिए बहुत अधिक यूज़फुल होता है। उसके बाद नमक, सोडियम क्लोराइड, शैम्पू को गाढ़ा बनाने के लिए हम नमक काम में लेते हैं। उसके बाद परफ्यूम, अगर हम एलोवेरा शैम्पू बना रहे हैं तो हम परफ्यूम भी एलोवेरा यूज़ में लेंगे। परफ्यूम भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाटर बेस्ड परफ्यूम, एक ऑयल बेस्ड परफ्यूम। हम यहाँ पे वाटर बेस्ड परफ्यूम काम में लेंगे। परफ्यूम हम कंपाउंड बनाकर भी काम में ले सकते हैं, यानी 2-3 परफ्यूम को हम मिला करके और एक कंपाउंड बना के एक नई फ्रेग्रेंस तैयार कर सकते हैं। कलर, कलर भी ऑयल और वाटर 2 तरह के होते हैं। अगर ऑयल कॉस्मेटिक है तो उसमें ऑयल कलर्स डलते हैं और वाटर बेस्ड कॉस्मेटिक है तो उसमें वाटर बेस्ड। शैम्पू बनाने के लिए हम वाटर बेस्ड कलर काम में लेंगे। उसके बाद ग्लास बीकर्स, ग्लास बीकर्स में हम 25 ml से 75 ml तक का ग्लास बीकर काम में लेंगे और ये दूसरा बीकर है हमारा 50 ml से 200 ml, एक कांच का बाउल, 2 टीस्पून और स्टेनलेस स्टील भगोनी, इनके द्वारा हम शैम्पू बनाएंगे। सबसे पहले हम एक कांच के बाउल में मैंने थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लेकर के जितना भी पानी हमको मेज़र करना है शैम्पू बनाने के लिए डिस्टिल वाटर, उसमें से थोड़ा सा हमने डिस्टिल वाटर लेके इसमें हमने सॉल्ट को मिला करके या सोडियम क्लोराइड या नमक को मिला करके घोल के पहले ही तैयार करके रख लिया है। उसके बाद मैं SLES लूँगी, ये मैं लूँगी 75 ml। ये मेरा ग्लास बीकर है, इसमें मैं 75 ml मेज़र करके 75 ml SLES को लिया। उसके बाद मैं इसमें 15 ग्राम एलोवेरा शैम्पू यानी कि 3 टीस्पून एलोवेरा शैम्पू मिक्स करूँगी। अब मैंने इसमें 15 ग्राम एलोवेरा जेल SLES के अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ग्लिसरीन 10 ml लूंगी, 2 टीस्पून, ये बालों को मॉइस्चर देने का काम करेगी। इसके बाद टी ट्री ऑयल 2.5%,
यानी हाफ टी स्पून, या हम इसकी ड्रॉप्स भी यूज में ले सकते हैं, यानी कि 5 ड्रॉप्स में इसकी काम में लेंगे। फाइव ड्रॉप मैंने इसकी शैम्पू में यूज़ करी है। मैं इसको मिक्स करूँगी और अब इसके अंदर मैं डिस्टिल वाटर ऐड करूँगी। मैं इसमें डिस्टिल वाटर 10 ml लूँगी, वैसे 15 ml लेना है लेकिन मैं 10 ml लूँगी क्योंकि 5 ml में मैंने नमक को घोल के रखा है। ये 5 ml मैं इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करूँगी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। एलोवेरा जेल इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं ड्रॉप ड्रॉप करके नमक का जो मैंने पानी तैयार किया है उसको डालूंगी और इसको हिलाऊंगी। अब इसमें मैं फ्यू ड्रॉप्स परफ्यूम इसको ऐड करूंगी और सबसे अंत में मैं इसमें कलर मिक्स करूंगी। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा।